अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सर? रमज़ान मुबारक आपको। मैं आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ नूडल नेस्ट की। नूडल्स चाहिए हमें 3 पैकेट्स, अंडे चाहिए 3 अदद, कैबेज चाहिए, कैबेज लीव्स ले लेंगे हम सेपरेटली 3-4। इसके अलावा सॉल्ट चाहिए हमें स्प्रिंकल करने के लिए, पेपर चाहिए, पेपर पाउडर, ऑयल चाहिए डीप फ्राइंग के लिए, जो पानी हमने रख दिया बॉयल होने के लिए। नूडल्स ऐड कर देंगे 3 पैकेट, मसाला नहीं डालेंगे, चिकन मसाला डालेंगे, इसके अलावा 1 पैकेट हम बचा लेंगे, उसको ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें 1 पैकेट मैंने बचा लिया इंस्टेंट नूडल के साथ, ये टेस्ट मेकर होता है। ये नूडल्स जो हैं तकरीबन हो गए हैं, मैंने 2 मिनट के लिए बॉयल कर दिया इसको। ये देखें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना इसको। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, एक्सेस वाटर निकाल दिया, ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इस तरह एक फ्राई पैन में इस तरह का एक चमचा ले लेंगे, इसमें कैबेज लीव रखेंगे और इसके ऊपर नूडल्स रखेंगे, नेस्ट की शेप बनाएंगे और उसको कढ़ाई में गर्म ऑयल के अंदर इस तरह फ्राई करेंगे। इसके सेंटर में हम एग तोड़ के डालेंगे और 1 कप की मदद से, स्पून की मदद से, किसी बड़ा चम्मच ले लेंगे, ऑयल डालेंगे गर्म ऊपर से ताकि एग जो है अच्छी तरह कुक हो जाए। ऊपर से हम देखें डन हो गया, सॉल्ट डाला, पेपर डाला, इसके अलावा जो मसाला था 1 पैकेट नूडल्स के साथ ही होता है ये मैंने स्प्रिंकल कर दिया। देखें रेडी है। इसके अलावा हम इसको स्पेगेटी के साथ भी बना सकते हैं, तो मैंने इंस्टेंट नूडल्स ले लिए थे, आप एग नूडल्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक ही नेस्ट रेडी किया है, इससे 3 और बन जाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम इतना ही था। देखें आप देख सकते हैं कितना